भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने बाबा रामदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाऊं। जी ध्यान से सुनो, विश्वास रखूं कि आपने आनंद आवेगो और कोई त्रुटि होवे तो मने माफ करिया। तो सुनो बाबा रामदेव जी महाराज के जन्म की कथा। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं रामा, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं राम, देव जी की कथा यथा में गाऊं राम, देव जी की कथा अजमाल जी के सब सुखा, लेकिन एक संतान नहीं है। बी वजह से मैं बहुत ही दुखी हा। विचार करे बारह बारह दफे भगवान के द्वार का जाकर आये हूं, लेकिन यू भगवान मेरी एक बार भी नहीं सुख। एक दिन जद भगवान द्वारका नाथ के मंदिर जाने की तैयारी कर रिया, घर के बाहर ने जिया पग रखे, पग रखता ही कहीं देखे है कि किसान लोग आपका हर बीज ले लेकर बारह बारह महीना के रोजगार पर आपका खेता में जा रिया, और जब किसान आपका खेत में जावे तो वैसे से पहली आपका कुल देवता तेजा ने मनावे, और तेजा ने कहीं मनार कहीं आपका खेता में जाने की तैयारी करे। गजो जय थया साठ कंवर पे जारे, गजो गजो जय थया साठ कंवर पे जारे, लगतो ही गजो सावने वार वो, लगतो ही गजो सावने वार वो, हलियो ले पधारो कंवर के जारे, हरियो लेने खेत पधारो कंवर के जारे, बेल्यारा बायोड़ा मोती नीप जे, बेल्यारा बायोड़ा मोती नीप जे, जावे है। मन में बड़ी राजी होवे कि आज बारह बारह महीना के रोजगार पर मारा गर्दनी खेता पर जावेगा, और मन में राजी हो सावन भादवा को महीनो बरखा टप टप करती बरसे, और लुगाई आपस में भेली हो और काई गावे है। अरे घूमर घाले more।
जो ही आपके घर के बाहर पक रखे है तो सामने माना अजमाल जी आता दिख जाओ। अजमाल जी ने देखता ही किसान को जिको हर खो खेता जाने रो मुझसे एकदम उदास हो जावे, विचार करे कि 12-12 महीना के रोजगार पर जा रहा था और घर के बाहर नपक रखता ही वो बांजर लो अजमाल सामने मिल गयो। आप सुगन चोखा नहीं हुआ, चालो आपा खेती आज न बोकर काल बोवांगा। जब किसान पाछा जान लागे तो अजमाल जी विचार करे कि ए लोग अभी आपका खेता में जा रहा था, बिरखा गेरी गेरी बरस रही है और बार बार मन देखकर पाछा मुड़ गया, के कारण है? अजमाल जी बाने रोके और पूछे भाईड़ा एक बात को जवाब दो। बोले के महाराज? तो अजमाल जी काई केवे, ए बिरखा गेरी गेरी भाईड़ो पाछा की कर जाओ, बिरखा गेरी गेरी ने भाईड़ो पाछा की कर जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो, खम्मा 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 रे कवरे यजमाल रा, बाप जी ने सारो जुग जावे जियो, घणी घणी खम्मा रे कवरे तप धरी। खेता में जा रहा थारी बारी बार पाछा मुड़ गया, के कारण है? किसान मन में विचार करे कि माने जवाब देवा तो भी क्या देवा, क्योंकि है वो गांव को ठक्कर और जे एने बुरो लाग गयो तो के बिरो अपन सागे के करे। लेकिन एक बूढ़ा बारो किसान हो, वो बोले महाराज मैं उत्तर देऊ थाने। बोले जल्दी से बताओ के बात है, क्या मुड़ गया? तो वो ठाकर ने किसान काई जवाब देवे है, अरे थे यजमाल बीरा बांझड़ा कहावो, अरे मारा सुगन भलेरा को नी हो जियो, मक मक मारे खबरे अजमाल रा, ए गणी गणी खमारे खमारे अजमाल रा, ए अंदा तने सारो जुग जावे जियो, मक मक विचार करे हे भगवान तू सब कुछ दियो मगर एक पुत्र की कमी राख दी, द्वारकापुरी जावे नहीं पाछा उठा आपके घर चले जावे। तो बाकी पत्नी बाने केवे महाराज के बात है आज चेहरा उदास है? बोले नहीं ठुकराने कोई बात को नहीं। बोले नहीं महाराज बतानो पड़ती के बात है आज। अब अजमाल जी के देख ठुकरानी
आज सगला किसान मनमोसा बोले कि वास्ते कि मेरे एक संतान नहीं है, अगर संतान होती तो ए लोग मने इतना मोसा नहीं बोलता। अब मैं द्वारकापुरी नहीं जाऊं और माता मैणा दे कहे कि महाराज एक बार तो थाने द्वारकापुरी जानो ही पड़सी। बोले ठुकराणी अब तो मैं मरिया कौन जाऊं, अरे दिन में बारह बारह दफ भगवान के देव रे गए हूं, अगर जब इन्हें सुनना होता तो कदा ही सुन ले। तो बोले महाराज आपने मैं कदी कोई बात नहीं कही, लेकिन एक बात कहूं कि आज थाने द्वारकापुरी जानो ही पड़सी, थाने मेरी बात राखनी पड़सी। अजमाल जी कह देख टुकड़ानी तू जिद करे है तो मैं चिलो जाऊंगो, पर जाने से पहले मेरी एक बात तू सुन ले। बोले के महाराज बोलो जल्दी। तो अजमाल जी के बोले है कि द्वारका नाथ ने मैं अर्जी जाय करशू, ए द्वारका नाथ ने मैं अर्जी जाय करशू। भगवान ने मेरे दुख सुनाऊंगा, अगर मैं ना सुनी तो बोले तू क्या होसी। अरे कोई जीव तो पाछो को नहीं आऊं दियो, द्वार करे नाथ ने मैं अर्जी जाय करे छू, जीव तो पाछो नहीं आऊं दियो। खमा खमा खमारे खवरे अजमाल राम, अंदा तारो पार नहीं पायो दियो, घनी घनी खमारे खवरे अजमाल राम। अगर भगवान मेरी नहीं सुनी तो अठे जीव तो पाछो नहीं आऊंगा। बोले महाराज आप इसी काची क्यों सोचो, अरे भगवान तो द्वारका का नाथ से का दुख करे थारा भी दुख करेगा, थे द्वारकापुरी जाओ। और ठुकराणी एक मोदक मिश्री को लाडू बनाकर हाथ में देवे और कहे महाराज ओ भूख लगा दिया। वो लाडू लेकर अजमाल जी रवाना होवे, बाहर न निकलता ही साथ तो मिल जावे और वे द्वारकापुरी जावे। अजमल पहुंचे द्वारका गए मंदिर के माय रामा, गए मंदिर के माय रामा, गए मंदिर के माय। ए भगवन मूर्ति देख के मन में कियो विचार, भगवन मूर्ति विचार करे और भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करे और काई कहे एक काई काई पाप में तो की और मारा बाप जी, काई काई पाप में किया मारा बाप जी, तुम्हारी एक बार सुन ले। और भगवान की मूर्ति देखकर आंखें हम टप टप आंसू पड़े है और भगवान ने प्रार्थना करे है काई केवे है हरि कान्हूड़ा थारे आंगने मरो ही उड़ा तरसे रे, कान्हूड़ा मर जीवन री वीणा
भगवान ने प्रार्थना करे है और जिया ही भगवान का नहीं देखे तो भगवान तो भैया मूर्ति खड़े हो पत्थर की जिया ही खड़ो। अजमाल जी मन में दुखी अवर के महाराज इतनी प्रार्थना कर ली तो इसे सुनो को नहीं। अब अजमाल जी दुखी होकर मन में विचार करे केकना आखिर में वहां दिल में एकदम विश्वास हो जावे कि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी भगवान सुने को नहीं तो अठे भगवान है ही को नहीं। अरे यह तो एक पत्थर है मैं मेरो दुखड़ो इतनी देर मारे एक भाटा का भगवान ने सुना रही पत्थर का भगवान ने। फिर अजमाल जी ने क्रोध आवे और विचार करे ओ लाडू घर से ले आया हूं चार बोझो तो ये लाडू ने कि काम में लेना चाहिए भोग तो लगाना ही पड़ सी तो भोग क्या लगावे भगवान के और क्या गुस्सा में आकर और के ढंग से भगवान के लाडू को प्रसाद चढ़ावे। हर पत्थर मूर्ति जान के रोस भरियो मन माये रामा रोस भरियो मन मोदक लाडू हाथ से प्रभु पर दियो चला मोदक लाडू हाथ से प्रभु पर दियो चला मोदक मिश्री को लाडू भगवान की लीलाड पर फेंक दे। पुजारी जी क्या ठाका यो के करियो बोले करियो तेरे बाप को सिर। अरे लाडू को प्रसाद चढ़ायो बोले महाराज यही प्रसाद चढ़ाओ के थक गांव में थे। अरे बोले मोटा हो तो लाडू क्यों है और जिको प्रसाद चढ़ाना वो तो हाल बाकी है। बोले वो कौन सो बोले देख पहले तो मार सू तुमने पच्छा टुकड़ा टुकड़ा कर सू मूर्ति का और फिर मर सू मैं। बोले महाराज बात क्या है बताओ सही मूर्ति ने तोड़ने की सोच रखी हो मन मारने की सोच रखी हो खुद मरने की सोच रखी हो। बोले मोड़ा आज मैंने थारे डोंग को पता चल गयो कि थे एक खाली पत्थर मिल रखे हो मैंने भगवान भगवान करो आए जा जाते रहे ठगोर थारू पेट को पालन करो और अठे भगवान नहीं है। पुजारी जी के महाराज भगवान तो अठे ही है अठे ही रहे पर हां ई बार ई टाइम का अठे नहीं है भगवान। बोले ई टाइम का अठे नहीं है तो कठे है फिर तो पुजारी जी अजमाल जी ने कठे भगवान बतावे है कि गर्मी घनी पड़े प्रभु मारा समुद्र माई सुता ए गर्मी घनी पड़े प्रभु मारा समुद्र माई अरे कोई ठंडी ठंडी लहरा बैठे पोड़िया दियो खमक मक मारे कवरे अजमाल रा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो घड़ी घड़ी खमारे कवरे अजमाल रा भगवान समझो कि मैं सुता है। अरे बोला मोड़ा तुम नमरानी चावे बोले क्यों अरे इस समुद्र में बताकर मेरी जान गवानी चावे। बोले नहीं महाराज मैं तो थाने भगवान बताया हूं। बोले खाली मनी बतान और की नहीं बताया बोले हजारा भक्ता ने बताया हूं। अरे हजारा ने एक आधे ने मिलियो भी है बोले हाँ तो फिर तो तू भी को नाम भी जानते हो बोले हाँ महाराज तो बोले के नाम है किन्ने मिलिया भगवान इस समुद्र के माय ने जल्दी बता तो के बतावे है। अरे इन तो समुद्र में वीरा पीपो जी ने मिलिया
में जट बहुत जोर का भंवर पड़ता, बोले अठे मिलिया भगवान, बोले मोडा सही बतावे उन्हें एकदम सोना ना सही। अजमाल जी पुजारी जी ने कहा, देख पुजारी जी भगवान मिल गया जनास तो ठीक है, नहीं तो भेट कर ना मैं जीव तो छोड़ूंगा को नहीं, तो सोच ली। बोले आप जाओ तो सरी भगवान थाने मिलेगो। और अजमाल जी भगवान को नाम लेकर के करे है, लोगासू सुन भांझड़ा अजमल कूद पड़ो रे दरिया में, अजमल कूद पड़ो रे दरिया में, द्वारका नाथ बठे मिया जियो, द्वारका नाथ धनी मिया जियो, अजमाल जी राखवरा खम्मा खम्मा ओ धनिया से पड़पड़ाट करता मेल दिखे, और भगवान ने देखे पाटी बंदी देखे, तो भगवान ने कहे महाराज, भगवान के अजमाल जी अठी ना हो। बोले नहीं महाराज, अठी ने बठी ने बाद में आशू, पहली थे मैंने बताओ कि आज की पाटी थे बांध रखी है, आप क्यों बांध रही हो? ए जोई जोई जावे हमारा दुख रहते काटो, ए माता ऊपर पाटी की करवानी दियो, खम्मा 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 रे कवरे यजमाल रा बाप जी रा मार नहीं पायो जियो, घणी घणी खम्मा रे कवरे यजमाल रा। भगवान हंसकर हंसकर जवाब देवे कि अजमाल जी कि भोला भोला भगता मारे अरे लाडूड़ा हरी मारी, ए भोला भोला भगत मारे लाडूड़ा री मारी, मर माथा ऊपर चोट घनी आई दियो, मक मक मारे कवरे यजमाल रा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे दियो, घनी घनी खमारे कवरे यजमाल रा।
महाराज शकुन सा भगत है जो थके लाडू की मार दी। मैंने बताओ मैं अभी जा रही खबर ले आऊं। बोले मैं के बताऊं, तेरे सामने तो खड़िया हो। बोले अच्छा महाराज, मैं तो थरो सुख दुख पूछे और तेरे मने पकड़ लिया। मैं था आगे कद मारे। बोले काल से द्वारका पर गया। बोले गयो। थारा हाथ में मोदक मिश्र को लाडू हो। बोले हो। था भी मूर्ति के मारी। मूर्ति को नाम लेता ही भूजन लाग जावे। अजमाल जी के महाराज, मैं तो मूर्ति के मारी थारे कहिया लागी। अरे काई के, अरे पत्थर मूर्ति और सकल जगत में।